ये एंशियंट हिस्ट्री की सेकंड क्लास है जो हमने पढ़ा, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो अब तक पढ़ा उसे रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, यानी कि इतिहास के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है इसके बारे में हमने जाना। उसके कई सोर्सेज हैं, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और फॉरनर अकाउंट। आर्कोलॉजिकल सोर्स में हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शन, यानी कि शिलालेख, जो हमें कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, या पेड़ों के पत्तों पे या कोई इंस्क्रिप्शन शिलालेख लिखा हुआ है। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, जो जेम्स प्रिंसेप ने डेसीफर किया था, और ओल्डेस्ट ये इंस्क्रिप्शन है जो डेसीफर किया गया अब तक। फिर हमने न्यूमिस्मेटिक के बारे में पढ़ा। न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के बारे में पढ़ा, और सिक्के कब से स्टार्ट हुए, लेटर वैदिक पीरियड में ये सिक्के इशू होने स्टार्ट हुए, राजा महाराजाओं ने इशू किए। और सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था, पन या करशापन, ये हमने जाना। फिर हमने मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ा। मोनूमेंट्स में हमने डिस्कस किया दो टेंपल के बारे में, अंगोरवट और बोडोबुदूर। फिर हमने लिटरेरी सोर्स के बारे में डिस्कस किया। लिटरेरी सोर्स में आपका रिलीजियस और नॉन रिलीजियस के बारे में डिस्कस किया। इसमें लिटरेरी सोर्स में वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन और संगम, ये तीन हेडिंग हमने डिस्कस की। वैदिक और संगम को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ये कहा था। बुद्धिस्ट और जैन के बारे में हमने डिस्कस किया। बुद्धिस्ट में हमने तीन पिटक के बारे में जाना, कौन कौन से, सुत्त, विनय और अभिधम्म। फिर हमने जैन लिटरेचर के बारे में पढ़ा, जिसमें कल्प सूत्र और भगवती सूत्र के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने कुछ फॉरनर अकाउंट पढ़े, यानी कि कुछ स्कॉलर्स, विद्वान जो इंडिया में आए थे, उन्होंने ट्रेवल किया, या जिन्होंने इंडिया के बारे में कुछ पुस्तकें लिखी, बुक्स लिखी, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जिसमें हेरोडोटस, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, मेगस्थनीज, टॉलमी, प्लीनी, इनके बारे में डिस्कस किया। और कुछ ये ग्रीक और रोमन से आए थे, कुछ हमने चाइनीज़ ट्रेवलर के बारे में पढ़ा, जैसे फायान और ह्यानसांग के बारे में। अरब ट्रेवलर के बारे में पढ़ा, अलबरूनी के बारे में। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हेडिंग डाल लो, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री को स्टोन एज भी बोलते हैं, प्री हिस्ट्री या फिर स्टोन एज। स्टोन एज को हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग, पाषाण युग। इसे स्टोन एज क्यों बोलते हैं, देखो उस टाइम पे ना मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि जो इस समय पे लोग रहा करते थे उन्हें धातु के बारे में ज्ञान नहीं था। मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, धातु बोलते थे इंग्लिश हिंदी में, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, इन मेटल के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए उस टाइम पे, वो किसके बनाए थे, स्टोन के, पत्थर के, तो इसलिए इसको स्टोन एज बोलते हैं। तो स्टोन एज को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं तीन कैटेगरी, तीन कैटेगरी हैं स्टोन एज में। पहला है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। दूसरा है मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज। जो पैलियोलिथिक एज है उसे हम मानते हैं 30,000 BC से लेके 9,000 BC तक, यानी कि 30,000 साल BC के। हम BC और AD क्या है ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो 30,000 BC के, और ये 2024 जो ये AD के हो गए, यानी कि लगभग 32,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज। तो ये आता है पैलियोलिथिक एज का पीरियड 30,000 से लेकर 9,000 BC तक। तो इसमें जानेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो लोग पर्सन रहा करते थे इंडिया में, वो क्या क्या करते थे। फिर जानेंगे मीजोलिथिक एज के बारे में, इसका टाइम पीरियड है 9,000 BC से लेके 4,000 BC के बीच। तो ये टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो। फिर तीसरा आता है न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड है 4,000 BC से लेके 2,500 BC तक, 2,500 BC। फिर उसके बाद आ जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस स्टोन एज में हम तीन ये एज डिस्कस करेंगे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट से।
फर्स्ट है आपका पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को हिंदी में बोलते हैं पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण युग। तो इसका टाइम पीरियड कौन का है, कौन सा है, डिस्कस किया हमने 30,000 से लेके 9000 BC तक, ये इसका टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड पे क्या क्या करते थे लोग, देखो जो पैलियोलिथिक है, पैलियो का मतलब क्या होता है, ओल्ड, पैलियो का मतलब है इसमें ओल्ड, और लिथिक का मतलब है स्टोन, तो इसलिए इसे ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, हिंदी में पुरा पाषाण युग या ओल्ड स्टोन एज। इस टाइम पीरियड में देखो लोग टोटली हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड थे, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग का मतलब आप जानते हो क्या होता है, यानी कि शिकार किया करते थे लोग, इधर उधर घूमते रहते थे और हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जंगली जानवरों का, मारते थे उन्हें और खाते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड थे। और ये जो पैलियोलिथिक एज है ना, ये फर्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग की, जिसमें उसने प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया था। तो याद रखना पैलियोलिथिक को फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेज भी बोलते हैं ह्यूमन बीइंग की, फर्स्ट प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये टोटली नेचर पे डिपेंड थे, क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग क्या करते थे, तो सारा का सारा इनकी जो निर्भरता थी प्रकृति पे थी, तो टोटली डिपेंड थे किस पे, नेचर पे। इन्हें ना तो कोई फायर की नॉलेज थी, नो नॉलेज अबाउट फायर, यानी कि आग के बारे में भी अभी नहीं जानते थे ये लोग, फायर के बारे में कोई डिटेल नहीं थी इनके इनके पास, और ना ही ये एग्रीकल्चर के बारे में जानते थे, कृषि करना भी नहीं जानते थे। और जब ना तो देखो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और ना ही आग के बारे में जानते हैं, तो बचा क्या, नेचर ही बची है, तो उसी पे डिपेंड रहते थे और हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, और जो ये शिकार करते थे उनका मांस खाते थे, उसे कच्चा ही खाते थे, क्योंकि उस टाइम पे आग का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग आग के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ये शिकार करते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। तो सोचो उन दिनों के जो पर्सन थे उनकी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम था, बॉडी थी, पाचन क्रिया था उनका, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा रहा होगा। तो ये हो गया पैलियोलिथिक एज। अच्छा पैलियोलिथिक एज के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता लगता है, देखियो कुछ इम्पोर्टेंट साइट मिली हैं, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना हमारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये ना छानबीन करता रहता है, एक्सप्लोरेशन करता रहता है, एक्सकेवेशन करता रहता है, एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करता रहता है। ये कहीं पे मान लो पुरानी बिल्डिंग दिखी, इसे पुराना कोई स्ट्रक्चर दिखा, तो उसको ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सीज कर देता है, किसी के पास हो, वो किसी पर्सन के पास उसे ले लेता है और फिर वहाँ पे रिसर्च करता है, खुदाई करता है, वहाँ देखता है कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाएं तो उनसे पता लगाते हैं, उनकी एज निकालते हैं कार्बन डेटिंग वगैरह से, तो फिर पता लगाते हैं कि उस तरह उस टाइम पे किस तरह से लोग रहा करते थे, क्या करते थे। तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने बहुत जगह, बहुत सारी साइट्स का, साइट्स मतलब स्थल, जगह, उनकी खुदाई की, तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं, जगह हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट साइट्स है भीम बेट का, भीम बेट का, ये आप लिख लो पैलियोलिथिक एज की, जहाँ से हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में जानकारी मिलती है वो जगह है भीम बेट का। ये भीम बेट का कहाँ पे है, ये भीम बेट का है भोपाल में, भोपाल कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में, भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ में ये भीम बेट का नाम की जगह है। यहाँ पे खुदाई की और वहाँ पे कुछ केव पेंटिंग मिली, वहाँ पे गुफाएं मिली, केव, केव मतलब गुफा, उस गुफा में पेंटिंग बनी हुई थी, और वो किस टाइम पीरियड की थी, पैलियोलिथिक एज की, यानी कि लगभग 30,000 साल पहले की
वो पेंटिंग बनी हुई है, किस गुफा में? इस भीमबेटका गुफा में, उस जगह पे। और देखो ये जो भीमबेटका का साइट है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो पेंटिंग बनी हुई है, ये पेंटिंग जो बनी हुई है वो किस टाइम पीरियड की है, पैलोलिथिक एज की भी है, और कुछ पेंटिंग वहाँ पे मीजोलिथिक एज की भी बनी हुई है, मीजोलिथिक एज की। तो याद रखना भीमबेटका में जो पेंटिंग्स मिली थी, जैसे गुफा बनी हुई है वहाँ पे दीवारें हैं, दीवारों पे कुछ पेंटिंग बनाई हुई है, जैसे कुछ लोग आदमी बनाए हुए हैं, वो शिकार कर रहे हैं जानवरों का, इस तरह से पेंटिंग बनाई हुई है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना भीमबेटका साइट केव पेंटिंग, तो वहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिखाई देंगी, जैसा इस वीडियो के थंबनेल में लगा हुआ ना जो थंबनेल, तो इस तरह की पिक्चर जो देखा होगा आपने, इसका थंबनेल जो इमेज आती है जब क्लिक करते हो आप वीडियो पे, तो इस तरह की कुछ पेंटिंग्स मिली हैं भीमबेटका में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पैलोलिथिक। इसमें क्या याद रखना है कि पैलोलिथिक टाइम पीरियड के जो पर्सन थे, ना तो उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज थी, ना फायर के बारे में नॉलेज थी, और टोटली किस पे डिपेंड थे वो? टोटली हंटिंग एंड गैदरिंग पे, यानी कि वो नेचर पे डिपेंड थे। शिकार क्या करते थे? जंगलों से फल वगैरह ये इकट्ठा किया करते थे और खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। और जब सोचो ना तो इनके पास एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की नॉलेज है, और ना ही इन्हें फायर की नॉलेज है, और किस पे डिपेंड है? नेचर पे। हंटिंग गैदरिंग करते रहते हैं शिकार, और शिकार करने के लिए घूमना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो अगर स्टेटमेंट में आ जाए कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के जो पर्सन थे वो सेटल्ड थे, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी या रॉन्ग? रॉन्ग होगी, क्योंकि देखो सेटल्ड का क्या मतलब है? एक जगह रहना। जैसे अभी आप उन लोगों ने घर बना रखा है, आप एक जगह रहते हो, नौकरी करने के लिए जाते हो फिर वहीं पे आ जाते हो अपने घर पे। लेकिन इनका क्या था? इन्हें सेटल्ड होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये कोई एग्रीकल्चर नहीं करते थे, ना ही कोई इनके पास इस तरह की कोई जॉब थी जैसा आजकल के लोग करते हैं, तो ये सेटल्ड होंगे ही क्यों? इन्हें तो शिकार करना है, खाना है, यानी कि एक जगह शिकार किया फिर दूसरी जगह चले गए। तो ये कैसे पर्सन थे? ये नोमेडिक थे, यानी कि घूमते रहते थे। नोमेडिक का क्या मतलब होता है? घूमंतु। नोमेडिक पर्सन थे, तो याद रखना है ये सेटल्ड नहीं थे। और जब तक देखो कोई कारण नहीं होगा रीजन सेटल्ड होने का, तो तब तक पर्सन सेटल्ड नहीं होंगे। तो पैलोलिथिक एज में ये पर्सन सेटल्ड नहीं थे, घूमते रहते थे। आते सेकंड पे, सेकंड है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज का टाइम पीरियड हमने जाना 9000 BC से लेके 4000 BC तक। मीजोलिथिक को मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि मीजो का मतलब होता है मध्य या मिडल, मिडल, और लिथिक का मतलब स्टोन, और एज मतलब एज, मिडल स्टोन एज, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मध्य, मध्य पुरापाषाण युग। तो मीजोलिथिक एज में क्या क्या नॉलेज हुई आगे पर्सन को, ये जानते हैं। देखो इसको ना माइक्रोलिथ एज भी बोलते हैं। माइक्रोलिथ एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनके इंस्ट्रूमेंट बने हुए थे ना, जो खुदाई करने पे कुछ इनके इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, इक्विपमेंट वगैरह जिनका ये यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए या उनकी छटाई करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट ना बहुत ही छोटे हैं, स्मॉल, और माइक्रो का मतलब क्या है? बिल्कुल छोटा, स्मॉल। इसलिए इस एज को माइक्रोलिथ एज भी बोलते हैं। तो पता चल गया माइक्रोलिथ एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्टोन टूल्स थे, पत्थर के बने हुए टूल्स या इंस्ट्रूमेंट, वो सब कैसे थे? स्मॉल थे, छोटे थे। फिर इनकी लाइफ किस पे डिपेंड थी? इनकी लाइफ भी देखो टोटली हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड थी। अभी भी इन्हें एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं हुई थी इन पर्सन को, मीजोलिथिक एज में जो पर्सन रह रहे थे यहाँ पे, तो ये भी हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड थे, यानी कि जंगलों से इकट्ठा क्या करते थे? सामान, फल फ्रूट वगैरह खाया करते थे, शिकार क्या करते थे? खाया क्या करते थे। और इन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा की, कौन सी? इन्होंने ना पशुओं को पालना शुरू कर दिया, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जैसे आजकल लोग कुत्ते पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि इन्होंने पता लगाया कि कुछ पशु ऐसे हैं जो हमारे साथ रह सकते हैं, तो इन्होंने उनका डोमेस्टिकेशन कर दिया शुरू, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया यहाँ से। और इन्होंने बो एंड एरो भी डेवलप कर दिया, तीर कमान जो होते हैं, तीर कमान, बो एंड एरो इन्होंने डेवलप कर दिया। तो इन्होंने एक नया आविष्कार किया बो एंड एरो का और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और सबसे पहला एनिमल कौन सा था ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा होगा सबसे पहला एनिमल? गाय, भैंस, बकरी, कौन सा होगा? सबसे पहला एनिमल था गोट, यानी कि बकरी, गोट, फिर डॉग। ये एनिमल को इन्होंने पालना शुरू किया क्योंकि इन्हें लगा कि बकरी छोटी सी और इसका बिहेवियर सही है, ना ही इंसानों को मारती है ना ही उनसे लड़ती है, तो बकरी को पाल लिया जाए। तो इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया बकरी का, गोट का। और ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है कि इन्होंने बकरी को पालना शुरू कर दिया? कहाँ पे खुदाई की? ये इसकी इम्पोर्टेंट साइट है बागोर, ये मीजोलिथिक एज की साइट है बागोर। और ये बागोर जगह कहाँ पे है? ये जगह है राजस्थान में, राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है बागोर। यहाँ पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, अर्लीस्ट एविडेंस यानी कि सबसे पहले अगर सबूत मिला है कहीं पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने का, वो कहाँ पे मिला है? बागोर में। और सबसे पहले कौन सा एनिमल हुआ डोमेस्टिकेटेड, यानी कि पशुपालन जब स्टार्ट किया किसको पालना शुरू किया? बकरी को, गोट को। और वो कहाँ पे मिला सबूत, एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत या फिर प्रूफ, एविडेंस, ये कहाँ पे मिला? बागोर पे। तो ये आपको याद रखना है, ये हो गया आपका मीजोलिथिक। तो अभी भी ये किस पे डिपेंड है? टोटली नेचर पे डिपेंड है, अभी भी एग्रीकल्चर के बारे में इनको नॉलेज नहीं है। तो अभी भी क्या यहाँ के लोग सेटल्ड होंगे? नहीं होंगे, कोई रीजन ही नहीं है सेटल्ड होने का। कहोगे इन्होंने बकरी पालना तो शुरू कर दिया, बकरी को कैसे? भाई साहब अपने साथ साथ बकरियों को घुमाने ले जाएंगे, क्योंकि बकरी तो घास खाती है, वो भी चलती रहेगी, ये भी घूमते रहेंगे और ये शिकार करते रहेंगे, खाते रहेंगे, कहीं पे मान लो फल फ्रूट वगैरह मिले वो लेंगे खाएंगे, तो इस तरह से ही घूमते रहे ये भी लोग, सेटल्ड नहीं हुए। अब आते हैं नियोलिथिक एज पे, थर्ड नंबर नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 4000 BC से 25000 BC, 4000 BC से 25000 BC। इस टाइम पीरियड पे इनको देखो परफेक्ट नॉलेज हो चुकी है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की परफेक्ट नॉलेज इनको हो चुकी है नियोलिथिक एज में, इन लोगों को जो इस टाइम पीरियड में लोग रह रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन कहाँ से स्टार्ट हुआ? मीजोलिथिक से। और इनको अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। और नियोलिथिक एज से ही, याद रखना, नियोलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गई प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इस टाइम के लोगों को खेती करना आ गया, कृषि करना आ गया, एग्रीकल्चर करना आ गया, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर करना। और अब आपके दिमाग में आना चाहिए, जब इन्होंने एग्रीकल्चर कर दिया तो क्या यहाँ के लोग नियोलिथिक पीरियड के जो पर्सन है क्या वो सेटल्ड हो गए? अब तो भाई साहब सेटल्ड होना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर अगर करनी है तो उसकी देखभाल भी तो करनी होती है, इरीगेशन करनी होती है, सिंचाई करनी होती है टाइम पे, उसकी देखभाल नहीं करोगे तो जंगली जानवर उसे खराब कर देंगे, तो इसलिए इनको सेटल्ड होना पड़ा। तो अगर ये सेटल्ड हो, इनके पास रीजन है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई। फिर आता है आप पे यहाँ पे और क्या हुआ नया, यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई पोटरी की। पोटरी का मतलब है आपका बर्तन वगैरह बनाना, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, मटके वगैरह, तो यहाँ पे पोटरी स्टार्ट हो गई। तो क्या क्या स्टार्ट हुआ नियोलिथिक एज में? एक तो एग्रीकल्चर और एक पोटरी, और नेचर पे जो इनका कंट्रोल था वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी कि इनको नेचर के बारे में थोड़ी और जानकारी हो गई, यानी कि मौसम के बारे में भी थोड़ी इनको जानकारी हुई। जैसे आज का जो IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारा मौसम विभाग,
जानकारी देता है कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो इन्हें थोड़ी जानकारी नेचर की स्टार्ट हो गई, उन कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इस टाइम पे बारिश होती है, इस टाइम पे मतलब धूप निकलती है या इस टाइम पे ठंड पड़ती है इस मौसम में, तो इस तरह इनको जानकारी हो गई। क्यों? क्योंकि इनको एग्रीकल्चर करनी थी और एग्रीकल्चर करने के लिए मौसम की जानकारी होनी चाहिए कि किस मौसम में कौन सी क्रॉप होगी। तो इस तरह इनकी जो नॉलेज थी वो इन्हेंस हो गई प्रीवियस पीरियड से। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब जानते हैं कि नियोलिथिक एज के बारे में हमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, पोटरी भी मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट कर दी, ग्रेटर कंट्रोल हो गया इनका नेचर पे, एनिमल को डोमेस्टिकेट करने की और ज़्यादा इनको नॉलेज हो गई। तो ये कहाँ से हमको पता चलता है, यानी कि इम्पोर्टेंट साइट क्या है न्योलिथिक एज की। तो न्योलिथिक एज की इम्पोर्टेंट साइट देखते हैं। देखो, पैलियोलिथिक एज की हमने भीमबेट का साइट देखी इम्पोर्टेंट साइट, मेजोलिथिक की बागौर देखी, और अब जानते न्योलिथिक एज की इम्पोर्टेंट साइट कौन सी है, कहाँ कहाँ पे हमको पता चला। तो पहली साइट है इम्पोर्टेंट साइट न्योलिथिक एज की, मेहरगढ़। मेहरगढ़, ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान नाम की जगह है ना, बलूचिस्तान, वहाँ पे है बलूचिस्तान में मेहरगढ़। और ये न्योलिथिक एज की ओल्डेस्ट साइट है, ये भी आपको याद रखना है। न्योलिथिक एज की सबसे पुरानी जगह साइट कौन सी है? मेहरगढ़। यहाँ पे हमें क्या क्या एविडेंस मिला ये आपको याद होना चाहिए। तो मेहरगढ़ में हमें कुछ एविडेंस मिले, सबूत किसके? वीट और बार्ले। जब यहाँ पे खुदाई की गई तो हमें पता चला कि यहाँ के लोग गेहूँ उगाना जानते थे, जो अभी आप गेहूँ की रोटी खाते हो ना, वीट की, आटे की रोटी, तो वो वीट यहाँ के लोग भी उगाना जानते थे मेहरगढ़ के। और कब? 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, 2000 तो एडी के और 4000 BC के, लगभग टोटल हो गए 6000। 6000 साल पहले भी वीट और बार्ले, बार्ले मतलब जौ, यानी कि गेहूं और जौ की खेती ये किया करते थे। और कैटल भी, डोमेस्टिकेशन था यहाँ पे, कैटल का मतलब गाय बैल भी ये पाला करते थे। और इन्होंने मड हाउस बनाया बनाए हुए थे, यानी कि मिट्टी के घर बनाए हुए थे इन लोगों ने, न्योलिथिक एज के जो पर्सन थे मेहरगढ़ में। और ये फर्स्ट ओल्डेस्ट प्लेस है जहाँ पे मिट्टी के घर बने हुए मिले, कहाँ पे? मेहरगढ़ में। तो ये होगी पहली साइट। अब आते हैं दूसरी साइट पे। दूसरी साइट है न्योलिथिक एज की चोपानी मांडो। चोपानी मांडो, ये चोपानी मांडो कहाँ पे है? ये आपकी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में देखो दो साइट हैं, दोनों को साथ लिख लो, एक चोपानी मांडो है, एक है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये इलाहाबाद में है, दोनों इलाहाबाद के पास हैं। इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया, आपको पता है प्रयागराज है, तो प्रयागराज के पास हैं ये चोपानी मांडो और कोल्डी हवा। चोपानी मांडो में हमें क्या सबूत मिले हैं? यहाँ पे देखो, जो पोटरी स्टार्ट की थी ना न्योलिथिक एज के पीरियड के लोगों ने, तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले अगर किन्हीं लोगों ने पोटरी स्टार्ट की तो यहाँ के लोग थे, चोपानी मांडो के, यानी कि प्रयागराज के पास जो जगह है चोपानी मांडो, वहाँ के लोगों ने न्योलिथिक एज में पोटरी स्टार्ट की, यानी कि बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए। तो ये सबूत कहाँ पे मिलता है? चोपानी मांडो में। और कोल्ड हवा में क्या मिलता है? यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, यहाँ पे मिलता है कि सबसे पहले लोगों ने जो चावल की खेती स्टार्ट करना की थी, कहाँ से? कोल्डी हवा से। तो ये आपको याद रखना है, कोल्डी हवा में क्या सबूत मिला है एविडेंस? राइस का। अब आते हैं चौथी साइट पे। चौथी साइट है आपकी गफ कराल। गफ कराल, ये गफ कराल है, इसकी प्रोनंसिएशन कुछ और भी हो सकती है भाई साहब, क्योंकि हिंदी में देखो प्रॉपर प्रोनंसिएशन लिखी होती है, इंग्लिश में ना पता ही नहीं लगता है इसकी प्रोनंसिएशन क्या होगी, है ना, नाम जो होता है उसकी प्रोनंसिएशन में कभी कभी डिफरेंट डिफरेंस आ जाता है। तो गफ कराल कहाँ पे है? ये है आपका श्रीनगर में। श्रीनगर जानते हो आप कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये श्रीनगर में है गफ कराल। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे भी देखो वीट और बारले मिले हैं हमें, यहाँ पे भी, यानी कि लोग वीट बार्ले की खेती क्या करते थे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे किया वीट बार्ले की खेती? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पे? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो हमने सबसे पहली साइट पढ़ी। तो ये आपको लिखना है।
याद करना है। गफ कराल में क्या मिला? वीट बालरे और पिट ड्वेलिंग। पिट ड्वेलिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे पिट ड्वेलिंग के सबूत मिले हैं। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास करना, रहना, और पिट का मतलब गड्ढा, यानी कि ये क्या है, गड्ढा खोद के उसमें रहा करते थे यहाँ के लोग। तो पिट ड्वेलिंग के भी एग्जाम्पल मिले हैं। जमीन में गड्ढा खोद लिया, वहाँ पे कुछ डाल लिया, मतलब फूस वगैरह जो बोलते हैं ना, कुछ लकड़ी वगैरह ऊपर डाल ली, और ये गड्ढे में रहा करते थे यहाँ के लोग गफ कराल के, पिट ड्वेलिंग। अच्छा, यहाँ के लोग ये गड्ढा खोद के क्यों रहा करते थे, ऐसी क्या इनको ज़रूरत पड़ गई? ये देखो मिलेगा नहीं लेकिन बुक में आपको, लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना आपको। मान लो स्टेटमेंट में आ जाए, यहाँ के लोग पिट ड्वेलिंग क्यों क्या करते थे, क्यों रहा करते थे गड्ढे में? क्योंकि देखो ये गफ कराल जगह कहाँ पे है, श्रीनगर में। और आपको पता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। और ये जब ये लोग गड्ढे में रहेंगे खोद के, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्म रहेगा, इस वजह से ये पिट ड्वेलिंग क्या करते थे, तो ये आपको सोचना है अपने आप से। अब आते हैं इसकी पाँचवीं साइट पे। पाँचवीं साइट है आपकी बुर्जा होम। बुर्जा होम, ये बुर्जा होम कहाँ पे? ये भी श्रीनगर में ही है, श्रीनगर में। यहाँ पे भी देखो पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले हैं, जो हमने गफ कराल में पढ़ा, तो यहाँ पे भी पिट ड्वेलिंग के एग्जाम्पल मिले हैं। और यहाँ के लोगों ने डॉग का डोमेस्टिकेशन किया, कुत्तों का डोमेस्टिकेशन किया। और यहाँ पे ना कुछ खुदाई करने पे ऐसा भी मिला कि लोगों को मरने के बाद जब दफनाया जाता था, अंतिम संस्कार जब उनका किया जाता था, तो उनकी बॉडी के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। यानी कि ऐसा मिला कि जब खुदाई की, तो यहाँ पे मिला कि एक मानव का भी कंकाल मिला है और इधर कुत्ते का भी कंकाल मिला है। कंकाल मतलब स्केलेटन, स्केलेटन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कंकाल। और ये नहीं, मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिसने कुत्ता पाला कि वो भी एक साथ मर गया और उसका कुत्ता भी एक साथ मर गया, है ना? हो सकता है कि जिसने कुत्ता पाला, मान लो आदमी वो मर गया, बाद में कुत्ता मर गया, तो खुदाई करके कुत्ते को उसके पास ही गाड़ दिया गया। तो इस तरह से ये कुछ रिचुअल निभाया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे यहाँ के लोग। तो डोमेस्टिकेटेड जो डॉग्स था, उसको उसके मास्टर के साथ दफनाया जाता था, बरीड किया जाता था। ये कहाँ पे एग्जाम्पल मिला है? बुर्जा होम में। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक एज। अब आते हैं नेक्स्ट एज पे। नेक्स्ट एज है आपकी चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज, ये चालकोलिथिक एज का टाइम पीरियड क्या है? देखो इसको जानते हैं हम, चालकोलिथिक एज। उसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। चालकोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है ना, वो देखो 2000 BC से और 700 BC तक है। मतलब ये भी किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? देखो ये थोड़ा स्टार्ट होता है उसी टाइम पीरियड पे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, उसी के दौरान, लगभग उसी के दौरान ये जो लोग हैं चालकोलिथिक एज के, भी ये भी रहा करते थे। तो चालकोलिथिक एज का क्या मतलब है? चालको का मतलब है कॉपर, कॉपर, और लिथिक जानते हो आप स्टोन, और एज मतलब युग, यानी कि इसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, कॉपर स्टोन एज। और देखो यहाँ के लोगों को ना कॉपर के बारे में जानकारी हो गई, तभी तो इनका नाम लिखा है कॉपर। और कॉपर क्या है? एक धातु, मेटल, यानी कि इस टाइम पीरियड के लोगों को मेटल के बारे में भी जानकारी हुई, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपर स्टोन एज। और इनको ये भी जानकारी थी कि ब्रॉन्ज कैसे बनाना है। ब्रॉन्ज हिंदी में बोलते हैं कांस्य, और कॉपर मतलब तांबा, जानते होंगे आप। तो कॉपर को ये टीन में मिलाते थे और बन जाता था ब्रॉन्ज। तो यही प्रोसेस होता है ब्रॉन्ज कांस्य को बनाने के लिए, कॉपर को टीन में मिला देते हैं, इनका मिक्सचर कर देते हैं, तो ये बन जाता है ब्रॉन्ज। तो इस एज को कॉपर स्टेन एज भी बोलते थे, कॉपर स्टोन एज। और इसको ना ई न्योलिथिक एज भी बोलते थे, ई न्योलिथिक एज, या फिर ए न्योलिथिक एज, इस नाम से भी कहीं कहीं पे बुक में आपको मिल जाएगा इसका नाम, चालकोलिथिक एज का, ई न्योलिथिक या एन्योलिथिक एज। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक जानते हैं कि यहाँ
लोग क्या क्या करते थे। देखो इन्होंने पोटरी तो जानते ही थे ये, क्योंकि देखो न्योलिथिक के जो पर्सन थे वो जान गए थे पोटरी के बारे में, तो ये भी जानते होंगे इस टाइम पीरियड के, यहाँ के जानते थे। तो और ये क्या जानने लगे, इन्होंने ना पोटरी पे ना पेंट करना स्टार्ट कर दिया। जो ये मटके वगैरह बनाते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो उस पोटरी पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, पेंटेड पोटरी, पेंटेड पोटरी। देखा होगा ना आपने, जैसे मटके वगैरह आप लाते होंगे, तो जैसे मान लो ये मटका है, इस पे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक से या रेड रेड से कुछ पेंटिंग किए होते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे पेंटेड पोटरी हमें मिली खुदाई करने पे। और कौन सी पेंटेड पोटरी थी, ये थी ब्लैक ऑन रेड वेयर, BRW, ब्लैक ऑन रेड वेयर, यानी कि बर्तन थे रेड, लाल बर्तन हुआ करते थे रेड, और उस पर पेंटिंग किस कलर से करते थे, ब्लैक कलर से। तो ब्लैक ऑन रेड वेयर, वेयर का मतलब है बर्तन, तो ब्लैक ऑन रेड वेयर भी बोलते थे इनको, पेंटेड पोटरी को। तो ये आपको याद रखना, ब्लैक ऑन रेड वेयर किस टाइम पीरियड का है, चालकोलिथिक एज का। और इस टाइम पीरियड के लोग भी खेती क्या करते थे, एग्रीकल्चर। तो ये खरीफ और रबी क्रॉप दोनों के बारे में जानते थे, दोनों के बारे में नॉलेज थी। खरीफ और रबी क्रॉप आप जानते होंगे, ज्योग्राफी पे पढ़ा होगा आपने। खरीफ मतलब जून से सितंबर में जो खेती होती है, कृषि होती है, और रबी क्रॉप मतलब जो विंटर सीजन में होती है, नवंबर से लेकर मार्च तक, उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो इनके बारे में इनको नॉलेज थी। और यहाँ के लोगों ने ना कुछ धार्मिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, रिलीजियस प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट कर दी करना, जैसे आजकल रिचुअल क्या करते हैं धार्मिक। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है यहाँ से स्टार्ट हो गई चालकोलिथिक एज से। और इस एज के दौरान बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, बहुत ज़्यादा अनाज उगाया जाने लगा इस टाइम पीरियड में, चालकोलिथिक एज में। आप जानते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन मिली है हमें चालकोलिथिक एज की, ये कहाँ कहाँ से मिली है हमें, क्या इसकी इंपॉर्टेंट साइट है जो खुदाई करके हमको इसकी जानकारी मिली। तो इसकी इंपॉर्टेंट साइट जानते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी साइट्स हैं, आपने NCERT में भी देखा होगा, मैप बना हुआ होता है ना उसमें साइट, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, उनको एक बार आप देख लेना NCERT में। तो ये साइट ना पूछ लेते हैं कभी, मैच द फॉलोइंग में या किस एज की साइट है। हम जानते हैं इंपॉर्टेंट साइट के बारे में जिनसे हमें कुछ नॉलेज मिलती है इस एज की। तो पहली इंपॉर्टेंट साइट है दैमाबाद। दैमाबाद, ये दैमाबाद कहाँ पे है, ये दैमाबाद है आपका नासिक में। नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में है, तो नासिक में है दैमाबाद। यहाँ पे ना चार ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट मिले हैं। दैमाबाद में क्या मिले हैं, चार ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य, कांस्य के मिश्र धातु के बने हुए कुछ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कुछ वस्तुएं मिली हैं यहाँ पे। कौन सी वस्तुएं, यहाँ पे एक एलिफेंट मिला, किसका बना हुआ है, ब्रॉन्ज का। जैसे एलिफेंट हाथी बने हुए थे ना मिट्टी के या किसी लोहे के, तो यहाँ पे ब्रॉन्ज का हाथी मिला है बना हुआ। और वो कितने किलोग्राम का है, वो 64 किलोग्राम का है, 64 किलो का हाथी बनाया इन लोगों ने ब्रॉन्ज का, किस एज में, चालकोलिथिक एज में। और वो यहाँ पे मिला दैमाबाद में। टाइगर भी मिला यहाँ पे, पहला कौन सा मिला, एलिफेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा मिला यहाँ पे, टाइगर। ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, ब्रॉन्ज के, हम असली टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि वस्तु ब्रॉन्ज की बनाई हुई है इन्होंने, टाइगर और राइनो, राइनो और चैरियट, राइनो को गैंडा बोलते हैं हिंदी में, और एक चैरियट, चैरियट मतलब रथ, रथ भी बना हुआ मिला ब्रॉन्ज का। तो ये चार ऑब्जेक्ट मिले। तो आपसे पूछा जाए कि ये चालकोलिथिक एज के चार ऑब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और चैरियट। अब जानते हैं इसकी दूसरी साइट के बारे में। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट साइट है इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में, ये है पुणे के पास, पुणे में है इनाम गांव। यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे देखो अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले सबूत मिला है यहाँ पे, फोर्टिफिकेशन अलोंग विद मोट। क्या मिला है, फोर्टिफिकेशन
फोर्टिफिकेशन अलोंग विद मोट, इसका क्या मतलब है? MOAT, फोर्टिफिकेशन अलोंग विद मोट। मोट का मतलब होता है खाई, एक तरह से खाई या गड्ढा। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कुछ, मान लो महल वगैरह बना देना। तो इन्होंने मान लो जो कुछ, मान लो घर बनाया, महल तो नहीं होंगे उस टाइम पे, तो मान लो कुछ घर बनाया, तो ये मान लो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे मान लो रह रहे हैं, तो ये चारों ओर ना, इसके चारों ओर गड्ढा खोद देते थे। जैसे आपने मुगल एज में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, मान लो यहाँ पे राजा का महल है, तो वो क्या करता था, चारों साइड मान लो ये 50-50 फिट चौड़ा या 100-100 फिट चौड़ा गड्ढा खुदवा देगा चारों साइड। क्यों? मान लो कोई सेना हमला करने आएगी तो इस गड्ढे को क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, है कि नहीं, और चारों साइड से वो महल बचा रहेगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल हमें इनाम गांव में भी देखने को मिला कि जहाँ पे मान लो फोर्टिफिकेशन क्या हुआ है, लोगों ने उसके चारों ओर गड्ढा खोदा हुआ है, जिसे डीप डिफेंसिव डिग भी बोलते हैं, डीप डिफेंसिव डिग। तो इन्होंने अपने बचाव के लिए इस तरह के फोर्टिफिकेशन किए। तो यहाँ पे ये एग्जांपल मिलता है इनाम गांव में। इसमें देखो जो चालकोलिथिक एज है, इसमें और भी 4-5 तरह की कल्चर इंक्लूड की जाती हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, तो वो जानते हैं। चालकोलिथिक एज में पहली है आपकी अहर, AHAR, अहर, या फिर इसे बानस कल्चर भी बोलते हैं, अहर या बानस कल्चर। ये कहाँ पे है? राजस्थान के, ये राजस्थान की अहर या बानस कल्चर। तो ये संस्कृति भी किस में आती है? चालकोलिथिक एज में आती है। तो यहाँ के लोगों को भी ये सब जानकारी थी जो चालकोलिथिक एज के पीरियड में हमने जाना। दूसरा आता है कयथ कल्चर, ये चालकोलिथिक एज में इंक्लूड की जाती है सारी कल्चर, कयथ कल्चर, ये कहाँ पे? MP में। फिर तीसरी आती है आपकी मालवा कल्चर, मालवा भी कहाँ पे? ये भी MP में, कयथ और मालवा कल्चर, ये हैं दोनों MP में। फिर आती है आपकी चौथी जोरवे कल्चर, जोरवे कल्चर कहाँ पे आती है आपकी? गुजरात में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और UP, ये इसमें रीजन इंक्लूड है जोरवे कल्चर में। तो ये जोरवे कल्चर भी सेम लगभग चालकोलिथिक एज की तरह है, यहाँ पे भी लोग इस तरह से रहा करते थे। फिर इसमें पांचवी जो कल्चर इंक्लूड है वो है ओकर कलर्ड पोटरी कल्चर। यहाँ पे जो लोग बर्तन बनाते थे, पोटरी बनाते थे, वो ओकर कलर की थी, इस वजह से इसका नाम है ओकर कलर्ड पोटरी कल्चर। तो ये कहाँ पे है? ये भी आपकी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ पे है। और देखो जो जोरवे कल्चर है ना, जोरवे कल्चर को बारे में हमने पढ़ा कि वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, वो नहीं है, वो मेनली ये है ओकर, वो मेनली जो जोरवे कल्चर है ना, मेनली वो गुजरात में ही है। तो उसको आप लिखो, वहाँ से कट कर दो, जोरवे कल्चर है जो वो मेनली पाई जाती है गुजरात में, मतलब पाई जाती थी, रहते थे उस टाइम पे लोग। और ओकर कल्चर कहाँ कहाँ पे? आपकी राजस्थान, राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और यूपी, यहाँ के लोग इस ओकर कलर्ड पोटरी को प्रैक्टिस किया करते थे, मतलब बनाया करते थे, इसलिए इनको ओकर कलर्ड पोटरी कल्चर बोला करते हैं इनकी कल्चर को, इन यहाँ के लोगों को। फिर इसमें छठी आती है आपकी पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर क्यों? क्योंकि जो यहाँ के बर्तन थे ना वो ग्रे कलर के थे, सलेटी कलर के, इसलिए पेंटेड ग्रे, मतलब उन पे पेंट करते थे ग्रे कलर का जो भी बर्तन बनाते थे, इसलिए पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर बोलते हैं, वेयर मतलब बर्तन हो गया, तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके देखो पाकिस्तान से लेके यूपी तक का जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो ये पाकिस्तान है और ये यूपी, ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया में ये पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, यहाँ पे लोग चालकोलिथिक एज में जो फीचर्स हैं यहाँ के लोग वही
प्रैक्टिस किया करते थे, मतलब ब्रोंज के बर्तन वगैरह भी, ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते थे कुछ, या फिर मिट्टी के बर्तन जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं ये यहाँ पे बनाते थे। खरीफ और रवि क्रॉप के बारे में भी जानते थे, खेती किया करते थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी और फूड ग्रेन्स को इन्होंने उगाना शुरू किया लार्जेस्ट क्वांटिटी में। तो ये आता है इस सब में। अब जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ये आपका चालकोलिथिक एज ख़त्म हो गया। टाइम कितना हो गया यार, काफ़ी टाइम हो गया यार। ख़त्म करते हैं लेक्चर, अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन।